गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप स्टूडेंट्स ऑल यू आर वेल एट योर होम। हैव यू डन योर होमवर्क? आपने अपना होमवर्क किया है? ओके, सो स्टूडेंट्स टूडे वी विल डू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ओके, सो टुडे वी विल डू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्फिनेज। ओके, कि ऑर्फिनेज क्या है? ओके, एक प्लेस है, इट इज अ प्लेस। ओके, जहां से किसी भी चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, सो ऑर्फिनेज की जो डेफिनेशन है, ओके, आपने अपनी बुक में ही देखनी है व्हाट इज एन ऑर्फिनेज। ओके, सो स्टूडेंट्स सीन योर बुक हियर। एन ऑर्फिनेज इज अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन हु डो नॉट हैव पेरेंट्स। ओके, सो ऑर्फिनेज एक प्लेस है, ओके, उन चिल्ड्रन के लिए जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। ओके, सच चिल्ड्रन आर अडॉप्टेड एंड बिकम पार्ट ऑफ सम फैमिलीज। ओके, उन चिल्ड्रन को क्या किया जाता है? अडॉप्ट किया जाता है। ओके, और वो किसी फैमिली का क्या बन जाते हैं? पार्ट बन जाते हैं। ओके, उन्हें लव दिया जाता है, उनकी केयर की जाती है। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्फिनेज। ओके, तो ऑर्फिनेज क्या है? इट इज अ प्लेस फॉर चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स। सच चिल्ड्रन आर अडॉप्टेड एंड बिकम पार्ट ऑफ सम फैमिलीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर हाउ डिड मोना फिट इन हर न्यू फैमिली। ओके, कि जो मोना है वो अपनी न्यू फैमिली में कैसे एडजस्ट हुई? ओके, कैसे फिट हुई? ओके, सो आंसर इज हियर। ओके, मोना कैसे एडजस्ट हुई न्यू फैमिली में? वन डे क्या हुआ कि जो रोहित के पेरेंट्स हैं वो मोना से मिले। ओके, दे वांटेड टू टेक हर होम एज रोहित सिस्टर। ओके, तो वो उसे घर लेकर जाना चाहते थे। ओके, आफ्टर फ्यू मंथ्स रोहित पेरेंट्स फिल्ड इन ऑल द फॉर्म्स इन द ऑर्फिनेज एंड टुक मोना होम एज देयर अडॉप्टेड डॉटर। ओके, तो वो मोना उनके घर कैसे गई, कैसे फिट हुई उनकी फैमिली में? रोहित के पेरेंट्स ने फॉर्म फिल किया। ओके, उसे ऑर्फिनेज से अडॉप्ट किया। ओके, मोना वॉज नॉट द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ रोहित पेरेंट। ओके, तो वो रोहित के पेरेंट्स की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं थी। ओके, उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। ओके, शी वॉज मच लव्ड इन दी फैमिली। ओके, उसे उस फैमिली में बहुत प्यार दिया गया। ओके, उसका ध्यान रखा गया। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ योर सेकेंड क्वेश्चन कि मोना अपनी न्यू फैमिली में कैसे फिट हुई। ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑर्फिनेज, सेकेंड हाउ डिड मोना फिट इन हर न्यू फैमिली। ओके, सी हियर स्टूडेंट्स थिंग्स टू डू। ओके, टेक अ मेक अ स्मॉल प्रोजेक्ट ऑन एनी फाइव एनिमल्स और इंसेक्ट्स। ओके, आपने एक स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना है। ओके, किस पर बनाना है? फाइव एनिमल्स और इंसेक्ट्स। ओके, गो टू द लाइब्रेरी। अभी तो आप घर पर हो। ओके, जैसे ही आप स्कूल में आओगे और सर्च ऑन द इंटरनेट वेदर दे गिव बर्थ टू बेबीज और ले एग्स। ओके, आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है कि कौन से एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं और कौन से एग ले करते हैं। ओके, और उनकी पिक्चर्स को आपने पेस्ट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज अबाउट और फोर्थ चैप्टर। ओके, हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। ओके, तो फोर्थ चैप्टर कौन सा है हमारा? अ बेबी कम्स होम।
ओके कि जैसे ही कोई न्यू बेबी आपके घर में आता है तो आपको कितनी एक्साइटमेंट होती है, ओके आप कितने खुश होते हो, ओके तो आप किस तरह से अपनी जो खुशी है किस तरह से बताते हो, ओके सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू योर होमवर्क, ओके आपने अपना होमवर्क अच्छे से करना है, ओके आई होप स्टूडेंट्स यू गॉट इट, थैंक यू।